हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज़ ये सवाल हम सब पेरेंट्स अपने आप से कहीं ना कहीं पूछते हैं। सवाल है कि क्या बच्चों को मोबाइल और टीवी दिखाना सेफ है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जनरली हम स्क्रीन टाइम एसोसिएट करते हैं टीवी से या फिर मोबाइल से, बट अगर एक बच्चा लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आईपैड हो गया, मोबाइल हो गया, या ये जो वीडियो गेम्स होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको आप स्क्रीन टाइम का पार्ट मानते हैं। और टिपिकली जब आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को पूरे दिन में कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस में देखना होता है कि मेरा बच्चा इन सब चीज़ों पर कितनी कितनी देर स्पेंड करता है और कितना टाइम मुझे उसे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि गाइडलाइन क्या कहती है। तो अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का अप्रैल 2019 का ही एक आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू की हैं विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन टाइम, तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। वो गाइडलाइन कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इन्फेंट्स अंडर वन ईयर शुड नॉट बी एक्सपोज टू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स, and that children between 2 and 4 years should not have more than 1 hour of sedentary screen time each day. मतलब एक साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए, और 2 से 4 साल के बच्चों को 1 घंटा टोटल पूरे दिन में 1 घंटा बैठ के स्क्रीन टाइम लेना ओके है। इससे ज़्यादा आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बात बोल रही हूँ, आजकल की तो जनरेशन बिल्कुल बदल चुकी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं YouTube कैसे ऑन करना है, ऐप्स को कैसे मूव करना है, फिंगर अपनी यूज़ कर सकते हैं, टच फोन्स पे इजीली उनको रिमोट से प्रेस करके टीवी चलाना आ गया है। तो हम तो एक नई जनरेशन में आ गए हैं जहाँ छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल हम इस जेनरेशन में आ गए हैं, बट इस जेनरेशन को ये नहीं पता है कि क्या ये उनके लिए इस एज में हार्मफुल है या नहीं। ये डिसीजन हम एज पेरेंट्स, जो उनके गाइड हैं, उनके केयर गिवर हैं, उनके गार्डियन हैं, ये हमारा है। हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को इतना ही स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए जो उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है। बात करते हैं कि क्या हार्म या क्या नुकसान होता है ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने का बच्चों के पे। तो जैसे कि आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि बच्चों की 90% ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 5 साल से कम की एज में हो जाती है। हमें लगता है ये एज में तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बट इसी एज में उनका ब्रेन एक मैसिव रेट पर ग्रो हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस एज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलने में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सप्लोर करने में अपनी सराउंडिंग्स, अपना एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस लेने में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। जहाँ इसी एज ग्रुप के बच्चे टीवी या मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं, एक एडिक्शन सा हो जाता है उनके लिए, उनका कंफर्ट बन जाता है, जिसकी वजह से वो ये बाकी एक्सप्लोरिंग या बाकी एंगेजमेंट नहीं करना प्रेफर करते, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे उनकी हेल्थ में, उनके माइंड में, उनके स्किल्स में आपको दिखने लग जाता है। सबसे बड़े और सबसे पहले इम्पैक्ट की बात करूं, जो आज की डेट में एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, मेडिकल साइंस इसको डील करने के लिए नई नई तरीके निकाल रहा है, ये प्रॉब्लम है चाइल्ड ओबेसिटी की, यानी बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमने नहीं सुनी है, मोटापे की प्रॉब्लम तो आप ज़्यादा बड़े लोगों के साथ सुनते हो, बट आज अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि चाइल्ड ओबेसिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसका एक कारण ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम बैठ के टीवी या मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी कैलोरी वो कंज्यूम कर रहे हैं, जितना खा रहे हैं, उतना उनकी बॉडी बर्न नहीं कर रही है, जो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम या मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स में लीड कर रहा है। मोटापे से हम सब जानते हैं कि मोटापा अपने आप में तो एक प्रॉब्लम है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्गर टर्म में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी बॉडी में मोटापे की वजह से आती ही है, और ये आज की डेट में नंबर वन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, जो करना है करने दो, और उन्हें स्क्रीन टाइम या बैठे रहने का टाइम जो है स्क्रीन के आगे वो कम से कम दो।
दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। आप कभी भी नोट करेंगे, एक बच्चा जो बड़ा इंटरेस्ट से टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, आप जब उसे बुलाएंगे या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ उसके आसपास लाएंगे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। यहाँ पे ही बच्चा अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग से डिसकनेक्ट होने के साइंस देने लग जाता है, जो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसी टाइम पे उसकी जो एंगेजमेंट है अपनी, उसका जो कनेक्ट है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, वो ज़्यादा होना चाहिए। बट क्या है कि क्योंकि उसे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें टीवी और मोबाइल पे दिख रही हैं कि उसे बाकी अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। तीसरा इम्पैक्ट है आँखें। हम सब जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को आँखों की प्रॉब्लम होने लग गई है, चश्मे की प्रॉब्लम, वीक आईसाइट, आँखों में पेन रहना, सर में दर्द की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं बिकॉज ये जो आप ब्राइट कलर्स देखते हो या जो रेडिएशन निकलता है मोबाइल से, इन सब डिवाइसेस से, ये डायरेक्टली जाके बच्चे को इम्पैक्ट करता है। अगली बड़ी प्रॉब्लम है नींद की प्रॉब्लम। अगेन हम एज पेरेंट्स जानते हैं कि नींद डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अगर बच्चे अच्छी तरह से सोते हैं तो उनका ब्रेन जो है, जो पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन है या पूरे दिन की एक्टिविटी जो है उसको प्रोसेस करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, स्किन रिपेयर होती है, बहुत कुछ होता है जो नींद के आवर्स में होता है। इसीलिए बच्चों को 11 से 14 घंटे की नींद डिपेंडिंग ऑन देयर एज ज़रूर लेनी चाहिए। बट जब आप टीवी और मोबाइल ज़्यादा देखने लग जाते हो तो डायरेक्टली आपका जो ब्रेन है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लाइट बंद कर दी और आप सोने को तैयार हो, बट आपका ब्रेन सोने से मना कर देता है। बच्चे को डीप स्लीप में जाने में, जहां उसकी बॉडी पूरा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगी, उसमें बहुत टाइम लगता है। आप ये एग्जांपल अपने ऊपर ही देख सकते हैं। जब आप बेड पे जाते हैं, अगर आप एक बुक रीड करेंगे आपको हो सकता है 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में नींद आ जाए, बट अगर आप मोबाइल देखने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी सो ना पाए, बिकॉज आपका ब्रेन जो है, जिसको अब सोना चाहिए था, अब वो सडनली एक्टिव हो गया है। और लास्ट प्रॉब्लम है कि बच्चे बोर नहीं होते हैं। टीवी मोबाइल में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं कि बच्चे बोर्ड, ये जो होता है ना वर्ड कि मैं बोर हो रहा हूँ, ये सेंटेंस बोलना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बोर होना क्या होता है। जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है टीवी मोबाइल ऑन हो जाता है, उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको दिखने लग जाती हैं तो बोर होना भूल जाते हैं। आप अगर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को बोर होने देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा बोर होता है तब वो अपने आप से कुछ ऐसी चीज़ निकालता है जिससे वो अपने आप को एंगेज करे, या कुछ ऐसा सोचने लग जाता है, कुछ ऐसा करने लग जाता है, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, वो किसी चीज़ को देख के अपने मन में कोई ना कोई थॉट्स बिल्ड करने लग जाता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी किक इन होती है। जहाँ हम उन्हें बोर ही नहीं होने देते, क्योंकि अब हम कह रहे हैं अब खेल लो, अब आप टीवी देख लो, अब आप सो जाओ, अब आप नहा लो, हम कॉन्स्टेंटली उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल बोर नहीं होने दे रहे, वहीं हम उनकी क्रिएटिविटी से उनको कनेक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए एज पेरेंट्स सबसे पहले हमें समझना है कि बच्चों को बोर होने देना ज़रूरी है, और ये टीवी और मोबाइल कभी बच्चों को बोर नहीं होने देते। तो ये सारी जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ टीवी मोबाइल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है या मोबाइल देखता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। इन सारी प्रॉब्लम्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। कई बार जो बच्चे नहीं भी टीवी मोबाइल देखते उनको भी आईसाइट की प्रॉब्लम या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसका रीज़न कुछ और हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि एक्सेसिव यूज़ से ये सारी चीज़ें आप बच्चों में देख सकते हो, बाकी आपको कितना करना है दैट्स टोटली योर चॉइस। सेकेंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को टीवी मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना चाहिए या उन्हें स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गाइडलाइन इशू किया, आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, आपका डॉक्टर भी आपको कुछ एडवाइस कर सकता है। उनकी एज के अकॉर्डिंगली उनको डेफिनेटली इन सब गैजेट से इंट्रोड्यूस ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हम जिस जेनरेशन में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये जो वर्ल्ड है अब ये डिजिटल एज का ही वर्ल्ड है। बच्चों को भी इस एज के साथ ही चलना है। अगर हम उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अगर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो शायद वो आपके सामने नहीं करेंगे और बाहर जाके करेंगे, जो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपका कंट्रोल ऑन उनको ये चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, उनको क्या दिखाना है और उनको कैसे समझाना है कि इसको सही तरीके से यूज़ करो, वो आप कहीं ना कहीं खो देंगे। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें उन्हें ज़रूर इन्जॉय करने दीजिए, बस थोड़ा लिमिट में दीजिए।
और लास्टली आई एम श्योर आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये तो पार्ट समझ आ गया, अब उन बातों का क्या कि मैं अगर मुझे इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं किस तरीके से कराऊं ताकि सही तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस हो, या फिर अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहा है तो मैं उसकी आदत को कैसे छुड़वाऊँ। ये सारे जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं इनके जवाब भी आपको मिलेंगे और वो सारे जवाब मैं आपको दूंगी अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं कबीर का एग्जाम्पल यूज़ करके भी आपसे शेयर करूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस में हमने इन सब चीज़ों को कैसे किया। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अगले वीडियो का वेट ज़रूर करना। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम वीडियो पोस्ट करें। दो इंपॉर्टेंट बातें और, कबीर के लिए मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, अपने लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़रूर आके हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, हम वहां पे अपनी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स डालते हैं। एंड कबीर के चैनल को अगर आपको फॉलो करना हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, टॉक टू यू सून।